आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z9X एंड्रॉइड मोबाइल फोन में अगर आपके WhatsApp की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो का हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट आपको कर लेना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है ये वाला, इस फाइल का आपको ओपन कर लेना है। इसमें आपको नीचे की साइड एप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, सिस्टम ऐप पर टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम पर टैप करना है। अब यहाँ पर आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये वाला ऑप्शन टैप करना है, तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है कि आपका जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप को उंगली से दबा के रखना है। आपका छोटा सा पेज आता है, इसमें ऐप इन्फो, मैं आपको फिर से दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखिए ऐप इन्फो पे टैप करना है, तो आपका ये व्हाट्सएप का ऐप इन्फो का पेज आता है। इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ये ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, सिर्फ आपको क्लियर कैच पे टैप करना है, तो आपका ये कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन का इंटरनेट चालू करके मोबाइल फोन का प्ले स्टोर ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में व्हाट्सएप लिख के सर्च करना है, तो आपका जो व्हाट्सएप आता है, व्हाट्सएप के सामने देखिए मेरे फोन में तो ओपन लिखा हुआ आ रहा है। अगर आपके फोन में यहाँ पे ओपन की जगह अगर आपको अपडेट का बटन दिखाई देता है तो उसे अपडेट पे टैप करके सबको अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें आपको सबसे ऊपर सर्च आइकन पर टैप करना है। यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है, आपको नीचे ऑप्शन मिल जाएगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखते हैं, आपके फोन में जितना भी डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए तरीका आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।